मोखेड़ी से उम्मीदवार है, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, धर्मपाल गोंदर और आज पहुंचे हैं कोयर गांव में। बेहद ही जबरदस्त स्वागत हो रहा है, साथ में पंजाब से पूर्व केंद्रीय मंत्री वो भी साथ में समर्थन देने पहुंचे, फूल मालाओं से गर्मजोशी भरा अभिनंदन यहां पे धर्मपाल गोंदर का किया जा रहा है। नीलोखेड़ी का कोयर गांव है और शानदार स्वागत हो रहा है, तालियों से स्वागत हो रहा है। पंजाब से पूर्व केंद्रीय मंत्री राणा गुरजीत जो हैं, वो दो दिन से धर्मपाल गोंदर के प्रचारी दौरों का हिस्सा हैं और उनके संदर्भ में नीलोखेड़ी के निवासियों से वोट की अपील करते हैं। कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, नीलोखेड़ी से उम्मीदवार हैं धर्मपाल गोंदर और सुबह से प्रचारी दौरों में लगे हुए हैं और नीलोखेड़ी के कोयर गांव में पहुंचे हैं। फूल मालाओं से ग्रामीण उनका बेहद ही शानदार अभिनंदन कर रहे हैं, बेहद ही जबरदस्त अभिनंदन इस समय कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल गोंदर का किया जा रहा है। फूल मालाओं से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्वागत हो रहा है। सर कैसा लग रहा है, इतना प्यार इतना सम्मान हर गांव में आपको बुलाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बेटा आप बताओ, इतना प्यार होगा तो कैसा लगता होगा, बहुत खुशी है। छत्तीस के 36 बिरादरी है, अलग अलग समुदाय के लोग आपके कार्यक्रम आयोजित करते हैं। 36 बिरादरी है, बच्चे से बुजुर्ग तक सब एक मुहिम बना रखे, भाई हम कांग्रेस पार्टी को बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी की भारी बहुमत से जीत होगी। और हुड्डा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, 60 सीट में तो 60 ही कह रहा था भाई, 60 सीट आने वाली है। आपके माध्यम से पता लगता है, मीडिया के माध्यम से, सीआईडी के माध्यम, भाई 70 पार होने को जा रही है कांग्रेस की जो सीटें हैं। प्रचार जोरों पर चल रहा है, राहुल गांधी भी आए थे, तमाम बड़े स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं आपके संदर्भ में, आमजन से वोट भी मांग रहे हैं। इस पर जो कैंडिडेट है नहीं और स्टार प्रचारक है वो नहीं, जनता ही इलेक्शन लड़ रही है खुद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ, कोई कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ रहा, जनता इलेक्शन लड़ रही है। कांग्रेस से साथ में देख सकते हैं, कांग्रेस से पूर्व जो है केंद्रीय मंत्री इस वक्त मौके पर है राणा गुरजीत, उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो फूलों से स्वागत किया जा रहा है, आप देख सकते हैं फूलों से मैं देख रही हूँ धर्मपाल गोंदर जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री पंजाब से राणा गुरजीत का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे, प्रचारी दौरों में वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, गांव कुंवर में पहुंचे हुए हैं और पगड़ी से स्वागत किया जा रहा है, पगड़ी से स्वागत किया जा रहा है, जोरदार स्वागत किया जा रहा है। पंजाब से पूर्व केंद्रीय मंत्री राणा गुरजीत भी पहुंचे हैं, राणा गुरजीत भी यहां पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं गुलाबी पगड़ी से यहां पर गांव कुंवर में जबरदस्त स्वागत, फूल मालाओं से जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है। हजारों की संख्या में इस वक्त मैं भीड़ दिखा दूं आपको, हजारों की संख्या में इस वक्त समर्थक यहां पर मौजूद है। नीलोखेड़ी के कुंवर गाँव में जबरदस्त स्वागत हो रहा है और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, नीलोखेड़ी से विधायक पद के दावेदार हैं धर्मपाल गोंदर, नीलोखेड़ी के कोयर गांव में पहुंचे हैं और पुष्प मालाएं व साफा पहनाकर केसरी रंग का जिंदाबाद। राणा गुरजीत जी आप भी वोट की अपील करने पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रिस्पांस लोगों से आपको मिल रहा है? देखो धर्मपाल जी एक बहुत गोंदर साहब बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, इन्होंने पिछली बार आजाद इलेक्शन लड़ी और जीते, लोगों का प्यार इनके साथ है और अभी ये आपको इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे कि जनता इलेक्शन लड़ रही है और मैंने देखा हरियाणा में सारे में और ख़ास तौर पे नीलोखेड़ी हल्के में धर्मपाल जी के लिए इनके साथी हर वर्ग से, गरीब जनता, व्यापारी, किसान, जात बरादरी से ऊपर उठ के इनको जिताने के लिए उन्होंने मन बनाया और बहुत भारी गिनती से जीतेंगे, कारण एक नहीं अनेक हैं।
आप भी दो दिन से प्रचारी दौरों में साथ ही हैं गोंदर जी के, तो कैसा रिस्पॉन्स है जनता से? देखिए, जनता ने फैसला कर लिया है, गोंदर साहब को मन बनाया हुआ कि जीतेंगे। अब ये है कि 50,000 से जीतते हैं कि 60,000 से जीतते। भाई धर्मपाल गोंदर, किसकी लहर है जी नीलोखेड़ी में? लहर मारे नीलोखेड़ी में भाई धर्मपाल जी की लहर है, कांग्रेस पार्टी की लहर है। मैं गांव का होने के नाते ब्रिसर मैडोकेट मेरा नाम है। ये मेरे गांव के सारे बुजुर्ग नौजवान साथी हरिजन समाज, ये पूरा गांव हमारा आज एक हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ दो विरोधी है वो अपनी जमानत बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, क्योंकि आज इतना माहौल देख करके मुझे पहले 81 की याद आती है, जब कभी जयसिंह राणा के टाइम में पूरा गांव एक हुआ करता था। आज पहली बार हमारा गांव एक हुआ और एक धर्मपाल गोंदर जी के 5 तारीख में पक्ष में पूरा गांव वोटिंग करेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। क्या लग रहा है जी, किसकी लहर है? नीलोखेड़ी की जनता किसको अगला विधायक बनाए? कैमरा उधर घुमाओ जी, लहर का पता लग जाएगा किसकी लहर है। पूरे सबको भाइयों को दिखाओ, कांग्रेस पार्टी की लहर है, एक तरफा जीत होगी विधायक जी की हमारे। क्या कह रहे हैं जी? भाई धर्मपाल गोंदर विधायक बन चुके हैं, 36 बरादरी इनके साथ है। मैं इनका छोटा भाई सुरजमान गोंदर हूँ और जो जनता जनार्दन का प्यार मिल रहा है ये कहने सुनने से पर बेटा। बहुत देर से मैं देख रही थी, इंतजार था, नजरे बिछाकर बैठे थे गोंदर जी कब आएंगे, आप आ गए, क्या कहना चाहेंगे? हम गोंदर जी को ये विश्वास दिलाना चाहेंगे कि मेरे गांव की एक एक वोट धर्मपाल गोंदर जी के पास जाएंगी। बहुत ही ज्यादा वोटों से हम धर्मपाल गोंदर जी को यहाँ से विजय बनाकर भेजेंगे। हम इसी इन बातों के साथ हम धर्मपाल गोंदर जी का हमारे यहाँ पर पहुँचने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। हजारों की संख्या में समर्थकों का तांता लगा हुआ है, हजारों की संख्या में कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल गोंदर के समर्थक आज नीलोखेड़ी के कोयर गांव में इकट्ठा हुए हैं। वो कोयर गांव में अलग अलग ढेर सारे प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं उनके चाहने वालों के द्वारा, और उनका यहाँ पे मैं देख रही हूँ उनके संदर्भ में वोट अपील करने के लिए पंजाब से पूर्व केंद्रीय मंत्री राणा गुरजीत पहुंचे हुए भी नजर आ रहे हैं, जो दो दिन से उनके प्रचारी दोनों उनके साथ रहते हैं। वो मैं यहाँ पे भीड़ देख पा रही हूँ, महिलाओं की भीड़ मैं आप लोगों को दिखा दूँ, अपने बच्चों के साथ मौजूद है, बुजुर्गों की भीड़ मैं आपको दिखाऊँ, युवाओं की भीड़ मैं आपको दिखाऊँ, सुबह से प्रचारी दौरों में लगे रहते हैं और महिलाएं इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। मैं एक बार आपको दिखा देना चाहूंगी, बुजुर्ग हो, युवा हो या फिर जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है नीलोखेड़ी की जनता अगला विधायक किसको बनाने वाली? नीलोखेड़ी की जनता ने तो जिस दिन विधायक धर्मपाल गोंदर को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, नीलोखेड़ी की जनता ने उसी दिन विधायक धर्मपाल गोंदर को बनाने का काम करे और विधानसभा चंडीगढ़ में पहुँचाने का कार्य किया। इन्होंने निगदू जोन में जो गाँव कोयर पड़ता है यहाँ पे 300 करोड़ के काम कराए। ये करनाल डिस्ट्रिक्ट का निगदू जोन एक पिछड़ा हुआ इलाका है जिसमें 300 करोड़ का इन्होंने काम किया, जिसमें शिक्षा में कॉलेज बनवाए, आईटीआई बनवाए, स्वास्थ्य पीएससी 31 करोड़ से एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल बनवाया, तो उसके बाद एक 40 गांवों की जो समस्या थी बिजली बोर्ड की, एसडीओ जो हमारा त्रावड़ी और नीलोखेड़ी के बीच में बैठता विधायक धर्मपाल गोंदर जी ने वो उसको बताया। मेरा गांव रायसेन है, इस हल्के का एक गांव ऐसा है जिसमें विधायक धर्मपाल गोंदर जी ने गांव में से चंडीगढ़ सड़क से बस पहुँचाने का काम किया। ये ऐसे विधायक है, ये जनता के विधायक है, ये जनता की समस्या सुन के उनके आलम करने वाले विधायक है। जनता इनके साथ खड़ी है। आज गांव कोयर के अंदर 6 प्रोग्राम हुए, अगला गांव माजरा उसमें 8 प्रोग्राम है, कारसा विधायक धर्मपाल गोंदर के प्रोग्राम 1 बजे रात को 2 बजे पूरे होते हैं। इससे आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ विधायक धर्मपाल गोंदर जी 40,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस से एमएलए प्रत्याशी हैं धर्मपाल गोंदर और उनके तमाम समर्थक यहाँ पर हैं जो अपना जोश दिखाते नजर आ रहे हैं। बड़ी जीत का दावा, एक तरफा जीत का दावा यहाँ पे धर्मपाल गोंदर एमएलए प्रत्याशी से और मौजूदा विधायक भी हैं से उनके समर्थक करते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है भैया, किसकी लहर चल रही है इस वक्त नीलोखेड़ी हल्के में? आप देखिए, महिलाएं भी कांग्रेस के सम्मान के लिए उतर गई हैं। जो भाजपा ने यमुना नगर के अंदर लाठियां चलाई थी महिलाओं पर, उसका बदला अब मातृशक्ति अपने अंगूठे से देगी। मैं कहना चाहता हूं, भाजपा कहती है हम किसान हितैषी सरकार हैं,
जब हम ट्रैक्टर निकलवाने जाते हैं 28% का GST हम पर थोप दिया जाता है, जब हम एक बीज लेने जाते हैं अपनी फसल का 12% GST हम पर थोप दिया जाता है, जब हम अपना कोई यंत्र लेने जाते हैं किसानी का कोई भी रूटावेटर टिलर सुहागा तो हम 28% GST देते हैं, अंबानी और अंडानी के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। तो ये दोहाई ये देहात किसान के साथ क्यों है? जब हम MSP की गारंटी की मांग करते हैं तो हमें लाठियां और डंडे खाने पड़ते हैं, हमें आतंकवादी कहा जाता है। तो मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं कि युवा जाग चुका है, युवा अंग्रेजों की दिहाड़ी कर रहा है, आज युवा विदेशों में जा रहा है अपनी जमीनें बेच बेच कर, यहाँ रोजगार नहीं है। ये इस निकम्मी और नकारा सरकार ने यहाँ पर जो ना बेरोजगारी पैदा की है, तो इसका जवाब अब युवा देगा। मैं तो बुजुर्गों को कहूँगा 6000 की पेंशन हुड्डा सरकार करेगी, 100-100 गज के प्लाट और वहाँ 3 कमरे का मकान, 1 लैट्रिन और 1 बाथरूम बनाकर ताड़ा लगाकर ताली आपकी जेब में डाल दी जाएगी। और मुद्दे बहुत ज्यादा हैं, मुद्दे इतने ज्यादा हैं मैं गिनवाऊंगा, मेरे साथ डिबेट करें। मैं चैलेंज करता हूं भाजपा का, चाहे राष्ट्रीय स्तर का भी कोई वक्ता है, मेरा नाम रोमी राणा रायसन है, मेरे साथ बैठे और मुद्दे पर बहस करे। कितने रोजगार आपने दिए, कितने आपने मेडिकल कॉलेज बनवाए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनवाई। अगर इस राज में यूनिवर्सिटियों को ताले लगे हैं तो भाजपा राज में सबसे ज्यादा लगे हैं। तो मुद्दे बहुत हैं और आप एक बार घुमा के दिखाएं कि कितना जोश और कितना जनून है। कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल गोंदर के समर्थकों का जोश देख सकते हैं, जोश देखा आपको बताना चाहूंगा। हमारा गांव, महिलाएं यहां पर मौजूद हैं, महिला समर्थक उनके यहां पे मौजूद हैं, नारे लगाती नजर आ रही हैं, महिला समर्थक यहां पर हैं, नारे लगाती नजर आ रही हैं, बुजुर्ग यहां पर हैं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, धर्मपाल गोंदर, धर्मपाल गोंदर। महिलाओं की जुबान पे भी एक ही नारा है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, धर्मपाल गोंदर जिंदाबाद। अलग अलग वर्गों के लोग एक बार में चौकी आपको दिखा दें, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, बच्चे, सब लोग प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। और ये आयोजन है कांग्रेस प्रत्याशी व नीलोखेड़ी से मौजूदा विधायक भी रहे हैं और साथ ही साथ विधायक पद के दावेदार है। पार्टी ने एक बार फिर से विश्वास जताया है धर्मपाल गोंदर उनके साथ, पिछले 2 दिनों से प्रचारी दौरों में खड़े नजर आते हैं। पंजाब से केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री राणा गुरजीत, वो भी उनके संदर्भ में आमजन के बीच में जाके, ग्रामीणों के बीच में जाके वोट अपील करते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप लोगों को दिखाई गई है नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र के कोयर गांव से, जहां पे आमजन में इस वक्त काफी जोश है। क्या लगता है जी, कौन जीतेगा? धर्मपाल या 40,000 वोटा दे? 40,000 वोटों से धर्मपाल गोंदर जीतेंगे, ऐसा दावा यहाँ पे किया जा रहा है। सरदार जी, क्या लगता है नीलोखेड़ी की जो जनता है किसको अगला विधायक चुनेगी? एक तरफा धर्मपाल गोंदर ही जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम हलके के तकरीबन हर गांव में गए हैं और देखा है, आंखों देखा है सारा प्रोग्राम। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर हजारों की भीड़ नहीं है। और हमारा गांव है पखाना और सोंकड़ा, वहां तो BJP का बूथ टिकेगा, बाकी वोट नहीं निकलेंगे। एक तरफा सारे वोट धर्मपाल जी को, कांग्रेस को पड़ रहे हैं। बिल्कुल, हाथों में कांग्रेस पार्टी के झंडे हैं, कांग्रेस पार्टी के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जोशीला माहौल है, कार्यकर्ता और समर्थकों में उत्साह है। चुनावी प्रचार में केवल 3 दिन शेष हैं और जमकर इस समय हर कैंडिडेट, हर प्रत्याशी अलग अलग पार्टियों के अपने प्रचार करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नीलोखेड़ी से जो विधानसभा विधायक पद के दावेदार हैं धर्मपाल गोंदर, वो पहुंचे हैं कोयर गांव में। कोयर गांव में कई प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं और भारी संख्या में उनको कोयर गांव के जो ग्रामीण हैं, जो निवासी हैं, उनका प्यार मिलता नजर आ रहा है। मेरे पीछे देखिए दीवार पे इस वक्त भारी संख्या में गाँव की महिलाएं मौजूद है, अपने बच्चों को लेकर बैठी है। यहाँ पे बुजुर्ग मौजूद है, युवा मौजूद है और सभी के जुबान पे नारे हैं, जय जयकार है कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल गोंदर की। पवन आरंग, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।